तो भाई लोग लंका प्रीमियर लीग 2023 का जो मैच नंबर 6 है ना, इस मैच में कोलंबो स्ट्राइकर्स के सामने होगा गालेट टाइटंस। अगर हम यहाँ पे कोलंबो स्ट्राइकर्स की बात करें, जो इनकी शुरुआत हुई थी ना वो तो अच्छी ना हुई थी, उसमें हार गए थे, लेकिन जल्द ही वापसी करते हैं और दूसरा मैच अपने नाम पर करते हैं। वहीं दोस्तों गालेट टाइटंस की बात करें तो कुछ कोलंबो स्ट्राइकर जैसे भी इनकी कहानी है, मतलब ये जो मैच जीतेगा ना वो कहानी पलट देगा, वो दूसरी टीम से आगे निकल जाएगा। तो दोनों टीमें कहेंगी भैया कहानी तो हम ही बदलेंगे, कहानी के हीरो हम बनेंगे, विलन तो कोई बनना नहीं चाहेगा। लेकिन आपको पता है ना, एक भाई साहब हारेंगे एक भाई साहब जीतेंगे। तो कौन हारेगा कौन जीतेगा अगर आप ये जानना चाहते हैं ना, तो ये जो वीडियो है आपके लिए है। बस आपको करना क्या है, पूरी वीडियो बिना स्किप करे हुए देखनी है। अगर हम इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो इससे पहले इनके बीच में 8 मैच खेला गया, जिसमें से 5 मैच जीता कोलंबो स्ट्राइकर्स ने और 3 मैच जीता गाले टाइटंस। यानी जो कोलंबो स्ट्राइकर्स की टीम है ना, स्ट्राइक करते थे किसके, गाले टाइटंस के ऊपर। मैं लास्ट 5 मुकाबले की बात करें तो कोलंबो स्ट्राइकर्स ने 4 मैच जीता, गाले टाइटंस बस 1 मैच जीता। यानी जो कोलंबो स्ट्राइकर्स की टीम है ना, जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक करी है किसके, गालेट टाइटंस के ऊपर। तभी तो लास्ट के 5 मैच में 4 खुद जीता, बस इनको 1 मैच जीतने दिया। दोस्तों क्या कोलंबो स्ट्राइकर्स फिर से करेगा मैदान फतेह, या फिर दोस्तों गालेट टाइटंस इस बार करेगा पलटवार, लेगा पिछली हार का बदला, चलो वही जानते हैं। बस भाई के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है ना मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूं, मैं तो आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूं। तो भाई का सपोर्ट जरूर करें, करना क्या है कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो कर सकते हैं ना। और साथ में ना मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना लंका प्रीमियर लीग के अलावा द 100 मेन एंड वुमेन्स कंपटीशन चल रही है, तो इन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो जरूर ज्वाइन करें, बस एक चीज का ध्यान दें, फेक से बचें, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए इधर उधर और किसी से ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहां पे जो लिंक मिलेगी, बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग ये जो मैच है ना, फ्राइडे 4 अगस्त इंडिया टाइम अनुसार 3 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं। यहां मुकाबला खेला जाएगा पल्ले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पल्ले केले में। इससे पहले यहां के मैदान पे 17 T20 डोमेस्टिक के मैच खेले गए, जिसमें से टारगेट डिफेंड हुआ 11 मैच में, टारगेट चेज हुआ 6 मैच में। मतलब यहां के मैदान पे ज्यादा मैचों में क्या होते हैं, टारगेट डिफेंड होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चेज बिल्कुल भी नहीं होता। अगर 11 मैच में टारगेट डिफेंड हुआ तो 6 मैच में टारगेट चेज भी हुआ। एवरेज स्कोर यहां पे फर्स्ट इनिंग का 173 रन टारगेट चेज की बात करें तो 165 के नीचे स्कोर बनेगा, तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 181 प्लस स्कोर बनेगा, तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 165 से 181 के बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना जो मामला है ना, ये तो बराबरी का आ गया, चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग यहां का जो सरफेस है ना वो थोड़ा सा हार्ड है, शुरू के 3-4 ओवर जो तेज गेंदबाज होते हैं ना, जो उनकी बॉल है सीम के साथ स्विंग करती है, थोड़ा सा उनको घुमाव मिलता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है बॉल की साइनिंग खत्म होती है 3-4 ओवर के बाद, तो जो बॉल होता है ना बैट पर काफी ज्यादा अच्छी तरीके से आता है, क्योंकि यहां की जो कंडीशन है वो बैटिंग कंडीशन है। बाउंड्री लेंथ की बात करें तो 70 से 80 मीटर की, तो इसलिए जो स्पिनर्स गेंदबाज उनको कुछ विकेट तो मिल जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ना उनकी थोड़ी सी पिटाई भी होती रहती है, इसलिए यहां पे जो मैच होता है या तो मीडियम स्कोरिंग या फिर हाई स्कोरिंग देखने को मिलते हैं। अगर हम आज के मैच में पावर प्ले स्कोर की बात करें तो 48 से 53 के बीच में देखने को मिल सकता है, 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 165 से 180 के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर हम यहां के मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो कोलंबो स्ट्राइकर्स ने 4 मैच खेला, 4 मैच में से 2 मैच जीता, 2 मैच हारा। यानी जो कोलंबो स्ट्राइकर्स की टीम है, यहां के मैदान पर 1 मैच जीती है तो 1 मैच हार जाती है। गाले टाइटंस की बात करें तो इन्होंने 3 मैच खेला यहां के मैदान पे, जिसमें से 2 मैच जीता, 1 मैच हारा। यानी जो गाले टाइटंस की परफॉर्मेंस है ना यहां के मैदान पे वो थोड़ा सा बढ़िया है। कोलंबो स्ट्राइकर्स वर्सेस गाले टाइटंस के बीच में यहां के मैदान पे 2 बार आमना सामना हुआ और दोनों ही टीमों ने 1-1 मैच अपने नाम पे किया। दोनों टीमें कह रही कि भैया जब हम यहां पे आमने सामने आए थे तो लड़ाई बिल्कुल बराबरी की हुई थी, तो आज के मैच में क्या लड़ाई बराबरी की होगी, और जब लड़ाई बराबरी की होगी तो कौन सी टीम करेगा मैदान फतेह, कौन सी टीम गाड़ेगा जीत का झंडा, चलो जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे कोलंबो स्ट्राइकर्स के। अगर हम इनके खेमे में चेंजेस की बात करें तो निल्सन डिकोला बोलेंगे ना जी ना, कोई भी चेंज ना करेंगे, क्योंकि इस टीम ने हमें मैच जिताया है, बाकी जो 1-2 इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो अभी टीम के साथ जुड़े नहीं, तो कोई भी चेंज ना करेंगे, सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। अगर हम यहां पे निल्सन डिकोला की बात करें तो पहले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, हालांकि दूसरे मैच पे ना चले, तो बाबर आजम ने पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी ना की थी, तो दूसरे मैच में इन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी करके दी, तो इनकी जो ओपनिंग जोड़ी है वो तो बढ़िया नजर आ रही। हालांकि प्रथम निशांका की बात करें तो कमाल के बल्लेबाज है, लेकिन 2 मैच में हो गया कमाल उमाल ना दिखाया, तो थोड़ा सा ये आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन बड़े बल्लेबाज जल्दी वापसी कर लेते हैं। पिछले
पिछले मैच में नुआंडो फर्नांडो ने बढ़िया बल्लेबाजी करी थी, बाबर आजम का बढ़िया साथ दिया था। तो यहाँ पे अगर हम टॉप फोर बल्लेबाजी की बात करें तो जो इनकी बल्लेबाजी ना टॉप फोर की काफी ज्यादा बढ़िया नजर आ रही है। हालांकि पथुम निशांका के बल्ले से रन ना निकले, बाकी देखने में तो बढ़िया लग रही है और ठीक ठाक परफॉर्म भी कर रही है पथुम निशांका को छोड़कर। बाकी इनके पास तीन ऑलराउंडर ऐसे है ना जो प्रॉपर गेंदबाजी के साथ साथ प्रॉपर बल्लेबाजी करके ना टीम को बैलेंस दे सकते हैं। कौन? चमिका करुणरत्ने, जिसने पिछले मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी भी थी, हालांकि बल्ले से ज्यादा कुछ ना कर पाए। रमेश मेंडिस की बात करें, हालांकि अभी तक ना तो बल्ले से कुछ योगदान दे पाए ना तो गेंद से कुछ दे पाए, लेकिन ऑलराउंडर ये भी बढ़िया है। उसके अलावा मोहम्मद नवाज, अपना नवाजे जो है ना एक मैच में तो गेंदबाजी अच्छी करी थी लेकिन बल्ले से अभी तक ज्यादा कुछ ये भी ना करके दूसरे मैच में। हालांकि इन सभी बल्लेबाजों को बल्ले से नंबर ही ना आया, पहले मैच में आया था तो ज्यादा कुछ खास ना कर पाया था लेकिन गेंदबाजी इनकी बढ़िया चल रही। तो ये जो तीन ऑलराउंडर है ना कोलंबो स्ट्राइकर्स को काफी ज्यादा बैलेंस दे रहे हैं, बाकी इनकी गेंदबाजी तो बढ़िया ही चल रही। क्योंकि नसीम शाह ने दोनों मैचों में जबरदस्त गेंदबाजी करी, पहले मतलब न्यू बॉल से बढ़िया गेंदबाजी करके विकेट चटकाना है, उसके बाद डेथ में भी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। मथीसा पथराना की बात करें तो इन्होंने भी दोनों मैचों में बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, मतलब चाहे मिडिल की बात करो डेथ में दोनों जगह बढ़िया गेंदबाजी करें, विकेट चटका रहे, न्यू बॉल से भी बढ़िया गेंदबाजी करके जा रहे। जेफरी वंडर्स ने तो कमाल की गेंदबाजी करी, इनके सामने रन बनाना छोड़िए विकेट बचाना भी बल्लेबाजों को मुश्किल हो रहा था। ये जो तीन इनके इंपॉर्टेंट गेंदबाज है ये तो लगातार सभी मैचों में बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि धनंजय लक्षण की बात करें तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा सा महंगे साबित हो रहे हैं, लेकिन इनको ज्यादा फर्क वर्क ना पड़ रहा क्योंकि मोहम्मद नवाज आते हैं, नवाजा अपना चार ओवर बढ़िया करके जाता है, किफायती विकेट निकाल के जाता है और जरूरत पड़ने पे दो तीन ओवर चमिका करुणरत्ने डालते हैं और ये भी किफायती ओवर विकेट निकाल के जा रहे हैं। तो इनके पास जो छह सात ऑप्शन गेंदबाजी का बन रहा है ना उसमें अगर एक आता पिट भी जाता है तो जो इनके ऑलराउंडर हैं काफी बढ़िया साथ देते हैं अपने गेंदबाजों का। तो इनकी जो गेंदबाजी है बढ़िया चल रही है। बल्लेबाजी की बात करते हैं टॉप फोर बल्लेबाजी बढ़िया, उसके नीचे की भी बल्लेबाजी बढ़िया, हालांकि उतनी अच्छी अभी तक परफॉर्म ना कर पाए। वहीं दोस्तों गाले टाइटंस की बात करें तो जो इनकी ओपनिंग जोड़ी है ना दो नए लॉन्डों के ऊपर है जिनको बहुत कम एक्सपीरियंस है। जबकि सेवेन डेनियल की बात करें तो सेवेन डेनियल लंदन से आते हैं और इन्होंने बल्लेबाजी भी अच्छी करी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें लाचित क्रॉसपोल की तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। इनकी ओपनिंग जोड़ी कह सकते हैं इनकी थोड़ी सी आधी अधूरी कहानी है। बाकी भनुका राजापच्छा की बात करें तो ये लगातार सभी मैचों में रन बना रहे हैं और एक मैच में तो शायद मतलब जब टाई हो गया था इनका मैच तो दो बॉल में मैच को खत्म कर दिया था यार, मतलब 11 चाहिए थे, बोले दो बॉल का मेरे मैच है। उससे पहले भी बल्लेबाजी बहुत अच्छी करी थी भनुका राजापच्छा ने। टीम सेफर्ड आपको पता है ना काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, कमाल के बैटर भी हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी ये भी करते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे दसुन सनाका की बात करते हैं, दसुन सनाका भी जिस तरह से फिनिश करते हैं ना वो आज के टाइम पे श्रीलंका के खेमे में ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं है जितना अच्छा फिनिश दसुन सनाका करते हैं। और दोस्तों यहाँ की पिच पे स्लो पिच पे ना गेंदबाजी बहुत अच्छी करेंगे, जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ अगर ये गेंदबाजी करेंगे तो विकेट लेके जाएंगे। पिछले मैच में करी थी भाई साहब ने, तीन विकेट लिए थे, लेकिन मेरी माने तब ना इनको सभी मैचों में गेंदबाजी करनी चाहिए। बाकी इनके पास शकीब अल हसन है जो मिडिल ऑर्डर में बढ़िया बल्लेबाजी के साथ साथ बढ़िया गेंदबाजी करके देते हैं। लहरू समरकोन नाम का एक इनके पास यंग टैलेंट है जो बहुत अच्छी तरीके से फिनिश करता है, बस देखने वाली बात होगी कि लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाते हैं ना कर पाते। तो अगर हम यहाँ पे इनकी बल्लेबाजी की बात करें तो इनकी भी बल्लेबाजी में दमखम नजर आ रहा, जो इनके पास ऑलराउंडर है ना वो भी अपनी टीम को काफी ज्यादा बैलेंस देते हैं, जैसे कि शकीब अल हसन, दसुन सनाका हो गए, सिकुगे प्रसन्ना हो गए। सिकुगे प्रसन्ना की बात करें तो गेंदबाजी ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त करते हैं, जरूरत पड़ने पर फिनिश करने की बारी आती है ना, दो चार छक्के चाहिए होते हैं ना तो ये फिनिश भी अच्छा करके जाते हैं। बाकी इनके पास कसुन अजीता नाम का एक ऐसा गेंदबाज है जो न्यू बॉल से भी बढ़िया वेरिएशन करके गेंदबाजी करता है, डेथ में तो कमाल ही गेंदबाजी करते हैं कसुन रजीता। बिस्वा फर्नांडो, बिस्वा फर्नांडो की बात करें तो पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी, किफायती रहते विकेट निकाले थे। तबरेज शमसीन के पास चाइना मैन है जो यहाँ की स्लो पिच पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके देगा। और इसके अलावा इनके पास शकीब अल हसन जैसा ऑलराउंडर है, सिकुगे प्रसन्ना है, दसुन सनाका है, तो इनकी भी गेंदबाजी काफी ज्यादा बढ़िया नजर आ रही, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक दिख रही है और इनके पास ऐसे ऑलराउंडर है जो प्रॉपर बल्लेबाजी के साथ साथ प्रॉपर गेंदबाजी भी कर सकते, तो इनकी भी टीम में ना दमखम दिख रहा था। अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों का कंपेरिजन करें तो भैया मुझे दोनों टीमें ना बिल्कुल एक जैसी नजर आ रही। मैं अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट सिक्स मैच के बिहाफ पे कंपेरिजन करें तो कोलंबो स्ट्राइकर्स ने अपने लास्ट के सिक्स मैच में तीन मैच जीता, तीन मैच हारा, मतलब एक जीत रहे हैं एक हार रहे हैं। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 170 रनों का, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया होता है यहाँ के स्लो पिच के हिसाब से। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 7.39, यहाँ के स्लो पिच के हिसाब से 7.39 गेंदबाजी एवरेज भी काफी ज्यादा बढ़िया होता है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे गाले टाइटंस की बात करते हैं, इन्होंने अपने लास्ट के सिक्स मैच में बस एक मैच जीता, पांच मैच हार गए, मतलब जो इनकी दुर्दशा है ना वो थोड़ा सा खराब चल रही है। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज
एवरेज है 143 143 रनों का, जो कि अच्छा नहीं होता। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 8.25, ये भी थोड़ा सा महंगा होता। अगर हम यहाँ पे गारे टाइटंस की बात करें तो भैया हर जगह स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन ये पिछले सीजन है, इस साल इनकी टीम थोड़ा सा बेहतर नजर आ रही है। बस देखने वाली बात होगी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाती है या ना कर पाती। अगर हम यहाँ पे लास्ट सिक्स मैच के बिहाफ पे देखें तो जो कोलंबो स्ट्राइकर्स की टीम है ना, चाहे रिजल्ट की बात कर लो, बल्लेबाजी एवरेज की बात कर लो या फिर गेंदबाजी एवरेज की बात कर लो, हर जगह गाले टाइटन से बेहतर ही नजर आ रही है। तो भैया आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम जीतेगी, ये मैच जानना चाहते हैं तो चलो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि आपको पता है ना मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूँ, मैं तो आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूँ। तो भाई का सपोर्ट जरूर करें। करना क्या भाई साहब, कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो कर सकते हैं ना। तो भाई लोग सारी एनालिसिस करने के बाद जिस तरह से कोलंबो का रिकॉर्ड गाले के सामने अच्छा है ना, तो उस हिसाब से मुझे लगता है जो मैच है ना 60-40 का, 60 कोलंबो स्ट्राइकर्स 40 गाले टाइटंस। तो अगर आप यहाँ पे चाहें जो मजबूत टीम है कोलंबो स्ट्राइकर्स उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है जो मैच है ना गाले टाइटंस अपने नाम पे कर सकता है। देखो इसमें थोड़ा सा रिस्क है, अगर आप ले सकते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मैच है ना गाले टाइटंस अपने नाम पे कर सकता है। बाकी मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको पता है ना लंका प्रीमियर लीग के अलावा द 100 मेन एंड वुमेन्स कंपटीशन भी चल रही, तो इन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम पर मिलेगी भैया, तो ज्वाइन कर लो। बस एक चीज़ का ध्यान दें, फेक से बचे, क्योंकि मेरे नाम पर बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए इधर उधर और कैसे ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहाँ पे जो लिंक मिलेगी, बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो सब्सक्राइब यार। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।